नमस्कार, महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का विषय हमारा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ललित निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध की रचना विद्यानिवास मिश्र ने की है। वो अपनी व्यथा कथा को इस प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं कि उनका पुत्र एक महानगरीय वातावरण में पली कन्या जो उनकी मेहमान हैं ना संगीत के कार्यक्रम में गए हैं, परंतु वो रात के 12 बजे तक भी लौट करके वापस नहीं आ सके तो उनके मन में एक स्वाभाविक चिंता होती है। और चिंता में जिनमें जो मित्र उनको लेके गए हैं उनको उनकी पत्नी कोसती भी है, पर वो नहीं आए तो उनका मन दुश्चिंताओं में भर जाता है। इतने में बारिश होती है, बारिश रुक भी जाती है पर वो लौट के नहीं आए। इससे उनकी चिंता बढ़ जाती है और अचानक ही कई दिनों से उनके मन में उमड़ती घुमड़ती ये पंक्तियाँ गूंजने लगती है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ना, मेरे लक्ष्मण का दुपट्टा भीग रहा है, मेरी सीता का माथे का सिंदूर भीग रहा है। वो सोचते हैं कि मन उनका घूम जाता है और कौशल्या की ओर घूमता है, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर घूमता है और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर है ना, इन सब के राम निर्वासित हैं। पर क्या बात है, मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है। ऐसी कल्पना से वो चंचल उठते हैं और उनको कवि के अनुसार कली की कुटिल कुचाल दीख पड़ी और वो सोचने के लिए मजबूर हो गए कि आखिरकार धनुर्धर राम लोकमानस के अभी तक राजा बने हुए हैं और उनके सिर पर वनवासी होते हुए भी मुकुट शोभाए मान है। अभिषेक की बात चली तो मन में ही अभिषेक हो गया, मन में राम के साथ राम का मुकुट भी प्रतिष्ठित हो गया, मन में ही हुआ। इसलिए राम ने राजकीय वेश उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोगों का परिहार किया, पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मात्र स्नेह में था, वह कैसे उतरता। वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट नहीं भीगना चाहिए, राम का मुकुट नहीं भीगना चाहिए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उसके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी, जो प्रतिहारी की जागरूकता का उपलक्षण है, नहीं भीगना चाहिए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर भी नहीं भीगना चाहिए। सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए, ये भी एक घटना है, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट दुपट्टा और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी मन में साल रही है, दुख रही है। कितनी अयोध्याएं बसी और उजड़ गई, करोड़ों अयोध्याएं बसी और उजड़ गई, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों कुश कंकड़ पत्थर कि वैसी ही ताज़ा चुभन लिए वे आज भी जनमानस के मन में बरकरार है, क्योंकि जिनका आश्रय असाधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे और उनका राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उसके उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं बल्कि एक काल कोठरी में बंद जलावनी की तरह दिन बिताएंगे। सोचते सोचते लगा कि देश का ही नहीं पूरी
पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसुर रही है और कह रही है कि मोरे राम के बिजोरे मुकुट हुआ, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट उसका ऐश्वर्य भीग रहा है, मेरे राम कब लौटेंगे, मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है ना, उसका जागरण भीग रहा है, मेरी राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसके अखंड सौभाग्य भीग रहा है, मैं कैसे धीरज धारण करूं। पूरा कहने का अर्थ ये है कि राम भीगे तो भीगे पर उनका मुकुट नहीं भीगना चाहिए, लक्ष्मण भीगे तो भीगे पर उनका दुपट्टा नहीं भीगना चाहिए, सीता भीगे तो भीगे पर उसका मांग का सिंदूर जो उसके अखंड सौभाग्यवती होने का सूचक है नहीं भीगना चाहिए। और ऐसे में माता कैसे धैर्य धारण करें, मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा, ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं, जिसे ऐश्वर्य सौंपे जाने को है उसका निर्वासन पहले ही बता है, जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल के नाना है, वे मुद मंगल में रहना चाहते हैं, मेरे जैसे आदमी को वे बिना निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं, डर लगा रहता है कहीं उड़कर उन्हें भी दुखने लगा दे, पर ऐसे इस मंगल आकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंका कुल आँखों से झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है, और वंदनवार न दिख कर बटोरी रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन सी दिखाई देती है, मंगलगट औंधाई हुई अद्भुती गगरी दिखता है, उत्सव की रोशनी का तामझाम धुएं की गांठों का अंबार दिखता है, मंगलवाद डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबदार की उसांस से बचकर एक बारगी बंद हो जाता है, और ये पंक्तियाँ तुलसीदास की याद आती हैं कि लागत अवध भयंकर वारी मानव काल रात अंधियारी घोर जंतु संपूर्ण नर नारी डर पर एक ही एक निहारी मन घर मसान परिजन जन भूता सुत हित मीत मनहु जमदूता बाघही विटप बेली कुमलानी सरित सरोवर देख ही नहीं जानी। कैसी मंगल प्रभात की कल्पना की गई थी रे, और कैसी अंधेरी कालरात्रि आ गई है, जिसका कल अभिषेक होना था उसे वनवास मिला, एक दूसरे को देखने से डर लगता है, उनके वनवास चले जाने से अयोध्या की हालत बहुत खराब है। पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुमला गई हैं, नदियों और सरोवरों को देखने का दुस्सा हो गया है, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासन भोग रहा है। निर्वासित हो गया है, उत्कर्ष की और उन्मुख समष्टि का चेतन अपने ही घर से बाहर निकाल दिया गया है, उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्वोन्मुखी चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है, इसलिए जब कीमत अदा कर दी गई है तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है, अर्थात कि उसको समष्टि में जो राज्याभिषेक मिलने वाला था उसको वनवास मिला, पर उसका उत्सर्ग तो क्या रहना चाहिए, कम से कम सुरक्षित रहना चाहिए, है ना, समष्टि का चैतन्य है ना जो घर से बाहर निकाल दिया गया, कम से कम उसका उसकी चेतना तो कम से कम क्या है सुरक्षित रही है, इसलिए जब कीमत अदा की गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे ऐसी कल्पना की गई है। यह चिंता स्वाभाविक भी है, राम भीगे तो भीगे राम के उत्कर्ष की कल्पना नहीं भीगनी चाहिए, वह हर बारिश में हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे, नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेले, है ना, ये तो समझ में आता है, नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेले, पर नर के रूप में ईश्वरीयता का बोध दमकता रहे, अर्थात कि वो ईश्वर का अवतार है ये बात लोगों को समझ में आती रहे।
पानी की बूंदों की झालर से उसकी दीप्ति छिपने नहीं पानी चाहिए, सांसारिक मौलिकता से वो क्या है समाप्त नहीं होनी चाहिए। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीग जाए पर उनका दुपट्टा उसका अहर्निश जागर नहीं भीजे। शेषी नारायण के ईश्वर ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प में ही सुरक्षित हो सकेगा। इन दोनों का गौरव जगत जननी आद्याशक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौट कर राजा होते हैं पर सीता होते रानी होते भी सीता द्वारा वन में दोबारा निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ तो लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन पशुओं से गिरी हुई विजन में सोचती है। जब सीता को वनवास दोबारा वनवास दे दिया गया, जब सीता जंगल में चली गई दोबारा राम राजा हुए, उस वक्त सीता वन पशुओं से गिरी हुई है विजन में एकांत महाजंगल में सोचती है कि प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस पीड़ा में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। बड़ी दुश्चिंता में गिरी हुई सीता क्या है ये बातें सोचती है। आखिरकार सीता को प्रसव होता है, लव कुश का जन्म होता है और इस वेला में अयोध्या की महारानी के पास कोई नहीं है, कोई गीत नहीं गाता है। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजोर करती है और जुड़वा बच्चों का मुँह गिराती है। उसकी तरह अपमान की ज्वाला में चित्त फूल करने के लिए उतरता है और बच्चों की प्यारी मासूम सूरत देखकर उस पर पानी के छींटे पड़ जाता है। तूफान दब जाता है पर इस निर्वासन में सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुट धारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है और एक बार अयोध्या जंगल बन जाती है। स्नेह की रसधारा रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पुलट जाता है। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच जाती है। दूर ऊंचे कड़े तटस्थ पहाड़ राजमुकुट में जड़े हीरे की चमक जैसे सैकड़ों शिखर एकदम कठोर और तीखे और निर्मम होता हो जाते हैं। पूरा यत्र स्रोत है पुलिन मधुना तत्र सरितान पर्यवसानी या तो धन विरल लाभ क्षिति बरहु कालद दृष्ट्यम हृदय मणि वन मिंदम निवेश शैलाना तदी ददमिते बुद्धि दृढ़यते। राम का मुकुट इतना भारी उठता है कि राम उसको बोझ से करहा उठते हैं और इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक जाता है। सीता का वर्चस्व और प्रखर हो जाता है। लेखक सीता के निर्वासन राम के निर्वासन के लिए ऐसे सोचते सोचते क्या है रात में आराम कुर्सी पर बैठे हैं और 9 बजे के गए हुए बच्चे अभी तक लौट के नहीं आए, कुर्सी पर पड़े पड़े यह सोचते सोचते 4 बजने को आ गए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीव निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा जो मेरी मेहमान लड़की थी बोली दरवाज़ा खोलिए। आँखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते हुए नहीं बना, अर्थात जो मन में संकल्प लिए हुए थे कि आते ही डांटना है वो सब दूर हो गए ना, और कुछ कहते नहीं बना। सिर्फ इतना ही कहा तुम लोगों को इसका क्या अंदाज़ा होगा कि हम कितने परेशान हैं ना, भोजन दूध दरा रह गया, किसी ने छुआ तक नहीं, मुंह ढाँप कर सोने का बहाना शुरू किया।
मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्ध चेतन चेतन अवस्था में फिर जहाँ खोया हुआ था वहीं लौट आया। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भीगकर। मेरी दादी नानी के गीतों में के राम लखन सीता अभी भी वन में भीग रहे हैं। तेज बारिश से पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हरी पत्तियों से टप टप बूंदे पड़ना शुरू हो जाती है। बूंदे गिरने लगे लगती हैं, तने पर टिके तो उसका हार नस नस से आप्लावित होकर पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं, बादल हैं कि मूसलाधार डरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है और कहता है कि राम तुम्हारे कब हुए, तुम जिसकी बुनाट पहचान में ही नहीं आती, तुम्हें जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर रह गए हैं, तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि तुम कह रहे हो कि मेरे राम। चोर की बात सच लगती है, मन कितना बटा हुआ है। मन चाहिए और अनचाही दोनों तरह की हजार चीज़ों से, दूसरे कुछ पतिताएँ भी पर अपनी भी भीतर प्रतीति नहीं होती। मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है, पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन में आकर चिंता किसी के लिए होती है। वह चिंता क्या पराए के लिए होती है, वह क्या कुछ भी अपना नहीं है। फिर इस अनमनेपन में क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं। क्या न कुछ होना और न कुछ बनना ही अपनेपन की बड़ी शर्त है। तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, वह भीतर से कहाँ पाऊँ। अपनी उदासी से ऐसे चिपकाओ, अपने सकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ से पाऊँ। मैं शब्दों के घने जंगल से गिरा गया हूँ, जानता हूँ इन्हीं जंगलों में आसपास किसी टेकरी पर राम की पर्ण कुटी है, पर इस उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे कुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आता है, उससे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात देर लौट आने से अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आता है, राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जुड़े न जुड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिसमें जीवन ऊब से कुछ उभर सके। और इतने में पूरब से हल्की उदास आती है, शहर के इस शोर शराबे बियावान में चक्की के स्वर के साथ उतरती चढ़ती जंत्रसार गीति हल्की सी सीधन पैदा करती है। मोरे राम के भिजेरे मुकुट हुआ और अमचूर की तरह विश्वविद्यालय जीवन की निरस्ता में डूब सूखा मन कुछ जरूर उपरी जाता है, पर ही सही भीगता नहीं तो कुछ नम हो ही जाता है। महीनों की उमड़ती उमड़ती उदासी बरसने को आती है, बरस न पाए यह अलग बात है। कुछ देर भीतर ताप तब न बरसे, पर बरसने का यह भाव जिस और आ रहा है उधर रहा होनी चाहिए। इसकी अशंक कौशल्याओं के मन में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपने दृष्टि के संकट से उसका सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उन कौशल्याओं की और उस मानवीय संवेदना की और कहीं रहा है। पास के नीचे दबी हुई उन पास की महिमा अपरंपार है, उसे जो आज वन्य पशुओं का राज के संरक्षण क्षेत्र बनाया हुआ है। नीचे ढकी हुई राह को सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, चमचमाती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीय स्थल है। इसके साथ ही हमारा आज का ये अध्याय समाप्त होता है और निबंध का कार्य पूर्ण होता है।
उस राह पर तुलसी और उसके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होते होंगे। फुलझड़ियाँ दंगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर राह ढकी की ढकी रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, सम का स्वर ढलती रात में, दिखती रात में अनसोए वात्सल का स्वर राह तलाशता रहेगा। किसी और राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किसी और बता दो सखी। और हमारा इस तरीके से अध्याय समाप्त हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।